आशुतोष गोवारीकर, जॉन मैथ्यू मथान और राकेश ओम प्रकाश मेहरा में क्या सिमिलैरिटी है? इन सभी ने आमिर खान के साथ एक सुपरहिट फिल्म बनाई और उसके बाद फ्लॉप फिल्में बनाने लगे। चलिए ठीक है, एक दो फिल्म चल भी गई होंगी, लेकिन क्या वो उसी स्टैंडर्ड की फिल्म्स थी? दंगल बनाने के बाद नितेश तिवारी पर भी यही प्रेशर था, क्या वो इसी कैटेगरी में शामिल हो गए हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नितेश तिवारी की पिछली फिल्म दंगल का एक मशहूर डायलॉग था, अगर सिल्वर जीतती तो आज नहीं तो कल लोग तन्ने भूल जाएंगे, गोल्ड जीतती तो मिसाल बन जाएगी। जहाँ दंगल गोल्ड मेडल जीतने वालों की कहानी थी, वहीं छिछोरे उन लोगों की कहानी है जो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाते। छिछोरे में दो कहानियां एक साथ चलती हैं। प्रेजेंट टाइमलाइन में सुशांत और श्रद्धा का बेटा हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी से लड़ रहा है, वहीं दूसरी कहानी फ्लैशबैक में चलती है। सुशांत, श्रद्धा और उनके दोस्त कॉलेज में नए स्टूडेंट्स हैं जो अपनी खुद की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। बहुत सी फिल्मों में दिखाई गई कॉलेज की जिंदगी का रियलिटी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। ये वो कॉलेज हैं जहाँ कदम कदम पर हॉट लड़कियाँ घूम रही होती हैं, हर किसी के सिक्स पैक एब्स होते हैं, पढ़ाई का नामो निशान नहीं होता और प्लेसमेंट की बात ही ना करें तो अच्छा है। वहीं छिछोरे में कॉलेज के सीन्स काफ़ी ऑथेंटिक लगते हैं और शायद इसकी एक वजह ये भी है कि डायरेक्टर नितेश तिवारी खुद भी IIT ग्रेजुएट हैं। चाहे वो रैगिंग के सीन्स हों या हॉस्टल के अलग अलग किरदार, सबको देखकर ऐसा लगता है जैसे आप इन्हें जानते हों। फिल्म की एक और खास बात यह है कि इसमें सपोर्टिंग एक्टर्स को भी सुशांत और श्रद्धा की तरह बराबर का इंपॉर्टेंस दिया गया है। फिल्म के सपोर्टिंग एक्टर्स ही इसकी असली जान है। सभी एक्टर्स के बीच अच्छी केमिस्ट्री दिखती है, उनको अपनी दोस्ती की गहराई दिखाने के लिए बाकी फिल्मों की तरह मेलोड्रामेटिक गाने नहीं गाने पड़ते। सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर ने अपनी पिछली फिल्मों के मुकाबले अच्छा अभिनय किया है। आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने अपने बुढ़ापे वाले रोल में ज्यादा नेचुरल एक्टिंग की है। फिल्म में कुछ कमियां जरूर हैं, जैसे कि एक्टर्स को बूढ़ा दिखाने के लिए जो मेकअप किया गया है वो किसी कॉमेडी फिल्म का लगता है। स्क्रीन पे भी कहीं कहीं कमजोर पड़ता है, खासतौर से हॉस्पिटल के कुछ सीन्स रिपीटेटिव लगने लगते हैं जिससे कि बचा जा सकता था, पर फिल्म की ये कमियां उसकी खूबियों के आगे छुप जाती हैं। फिल्म का आखिरी एक्ट, जिसे हम थर्ड एक्ट भी बोलते हैं, काफी अच्छा फिल्म आ गया है। डायरेक्टर ने एंड को प्रेडिक्टेबल नहीं होने दिया है। सक्सेस और फेलियर पर सुशांत सिंह राजपूत का दिया हुआ मोनोलॉग दिल को छू जाता है। हिंदी फैक्ट्री की तरफ से फिल्म की रेटिंग है 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5।